हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया स्टार तनु रावत के बारे में। तनु की एक्टिंग और एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा पसंद तो किए ही जाते हैं, साथ ही उनका डांस और एनर्जी भी लोगों को काफी पसंद आती है। और तनु भोलेनाथ की भक्त है तो इसलिए भी लोग उन्हें बहुत प्यार देते हैं। तनु अपने माथे पर हर वीडियो में तिलक लगाए नजर आती है। वो ये तिलक क्यों लगाती है, उनकी एज, फैमिली, होम टाउन, रिलेशनशिप स्टेटस और स्ट्रगल स्टोरी क्या है, वो सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है किशु बाबा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए दोस्तों, बात शुरू करते हैं। तनु पेशे से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, डांसर और ब्लॉगर हैं। तनु का जन्म 31 दिसंबर 2004 को दिल्ली में हुआ था। वैसे मूल निवासी तो तनु उत्तराखंड की है, लेकिन उनके जन्म से पहले ही उनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। तनु की फैमिली में कुल 4 लोग हैं, उनकी माँ, पापा और एक बड़ी सिस्टर। इनके अलावा तनु के मामा भी इनके साथ ही रहते हैं। तनु के पापा इनके साथ ज्यादा नहीं रह पाते क्योंकि वो एक फॉरेन कंट्री में जॉब करते हैं। तनु फैमिली में सबसे छोटी थी, इसलिए वो बचपन से ही अपनी फैमिली की लाडली रही है। तनु को उनके पेरेंट्स ने हर काम में सपोर्ट किया है। बात करें उनके स्कूलिंग की तो तनु आज की डेट में 11th क्लास की स्टूडेंट है। उन्होंने अपनी शुरुआती स्कूली पढ़ाई दिल्ली से की थी। तनु एक अच्छी स्टूडेंट तो थी ही, साथ ही उन्हें डांस का भी बहुत शौक था। पहले तो वो टीवी और फोन में ही देखकर डांस सीखा करती थी। तनु ने 14 साल की उम्र में डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस के लिटिल मास्टर में ऑडिशन दिया था, लेकिन वहाँ वो ज्यादा आगे नहीं जा सकी, जिसका उन्हें काफी दुख हुआ। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही टैलेंट रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में उन्होंने ऑडिशन दिया, पर यहाँ भी तनु की परफॉर्मेंस को ज्यादा पसंद नहीं किया गया। तब तनु को एक बात समझ में आ गई कि कुछ तो कमी है जो मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ, शायद इसीलिए मैं आगे नहीं जा पा रही हूँ। तनु का डांस ही सब कुछ है तो हार के बारे में तो वो बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हम आगे भी ऐसे ही स्ट्रगल स्टोरी और बायोग्राफी लाते रहेंगे। अब तनु ने अपने डांस को इम्प्रूव करने के लिए डांस क्लास ज्वाइन करने का मन बना लिया। फिर तनु ने अपनी फैमिली से बात की, उनकी फैमिली ने परमिशन दे दी, जिसके बाद वो ऋषिकेश में एक शुभम नाम के डांस टीचर से आकर डांस की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। आज भी तनु ऋषिकेश में ही रहती है। साल 2019 में तनु ऋषिकेश में मिस GDD भी रही थी। तनु ने डांस सीखने के साथ साथ अपने डांस के वीडियोस टिकटॉक पर डालना स्टार्ट कर दिया। डांस वीडियो के साथ साथ तनु टिकटॉक पर लिपसिंग वीडियोस और स्टंट वीडियोस भी डालती थी। तनु टिकटॉक पर बहुत एफर्ट लगाकर वीडियोस डाल रही थी, पर उनके वीडियोस पर व्यूज और लाइक्स लिमिटेड ही आ रहे थे। उस समय तनु बहुत हताश हो रही थी। तनु को हताश होता देख उनकी माँ ने तनु को मोटिवेट किया और कहा कि अभी इतनी जल्दी हार मानने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। माँ की बातों से इंस्पिरेशन मिला और वो फिर से उसी एनर्जी के साथ वीडियोस डालने लगी। फिर एक बार उन्होंने एक वीडियो भगवान शिव के सॉन्ग पर डाला और वो वीडियो काफी वायरल हो गया। तनु को समझ में आ गया कि भगवान भोलेनाथ की वजह से वो वायरल हुई है। फिर तब से ही वो महादेव की भक्त बन गई और बहुत से वीडियोस में वो भगवान शिव के गाने को लेकर वीडियोस डालने लगी। फिर उन्होंने माथे पर तिलक लगाना भी शुरू कर दिया। तनु को महादेव और फैंस दोनों का प्यार मिल रहा था, जिसकी वजह से वो तेजी से फेमस हो रही थी। जब तनु ने टिकटॉक पर 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट किए, उसके 2 दिन बाद ही इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया। अब उनके पास वही फैन फॉलोइंग बची थी जो इंस्टाग्राम पर थी। तनु के पास तब कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था, इसलिए वो अपने डांस पर ही ज्यादा ध्यान देने लगी। फिर टिकटॉक बैन होने के 2 महीने बाद इंस्टाग्राम ने रील्स लॉन्च कर दिया। अब तनु ने अपने शॉर्ट वीडियोस रील्स पर डालना स्टार्ट कर दिया। रील्स पर तनु के वीडियो शुरू से ही पसंद किए जाने लगे। तनु की एक्टिंग, डांस, स्टंट और माथे का टीका उन्हें सबसे अलग बनाता था, इसलिए तनु एक शिव भक्त के रूप में फेमस हो गई। तनु ने इंस्टाग्राम पर पहले 1 मिलियन फिर 2 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए। फिलहाल तनु के इंस्टाग्राम पर 2.1 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। अब तनु के पास म्यूजिक वीडियोस के भी काफी सारे ऑफर्स आने लगे, जिनका कभी वो सपना देखा करती थी। तनु ने लाइफलाइन, रेशम की डोर, यंग एज, रहने दो, भोलेनाथ इन म्यूजिक वीडियोस में काम किया है और आगे भी उनके कई सॉन्ग्स और म्यूजिक वीडियोस आने वाले हैं। तनु ने अपने दम पर वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां तक पहुंचने का बहुत से लोग सपना ही देखते हैं। लेकिन तनु का सपना है कि वो एक बहुत बड़ी डांसर के तौर पर फेमस हो, और शायद इसलिए वो बॉलीवुड की फेमस डांसर और एक्ट्रेस नौरा फतेही को अपना फेवरेट डांसर बताती है। तनु कहती है कि महादेव और मेरी माँ की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। चलिए दोस्तों, अब तनु और उनके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। तनु और भी डांस रियलिटी शोज में आगे पार्टिसिपेट करेंगी, जिसके लिए वो खुद को तैयार कर रही है। तनु का डांस स्टाइल हिप हॉप है।
तनु एक फिटनेस फ्रीक भी है, वो योगा और वर्कआउट भी करती है और फिटनेस के लिए वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक भी करती है। तनु को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, वो इंडिया के लगभग हर टूरिस्ट प्लेस पर जा चुकी है और अब वो दुबई या डिज्नीलैंड जाना चाहती है। तनु का एक यूट्यूब चैनल भी है, वो डांस ब्लॉग, ट्रैवल ब्लॉग और डेली लाइफ से जुड़े ब्लॉग्स यूट्यूब पर पोस्ट करती है। यूट्यूब पर भी तनु को लोगों का बहुत प्यार मिलता है और उनके अगले ब्लॉग का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। तनु के यूट्यूब पर लगभग 1,40,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। दोस्तों, तनु से जब पूछा गया कि वो तिलक क्यों लगाती है तो उन्होंने बताया कि वो महादेव जी और लड्डू गोपाल जी पर बहुत श्रद्धा रखती हैं, इसलिए वो ज्यादा वीडियोस में तिलक लगाती है और वो तिलक तनु की खूबसूरती पर भी 4 चांद लगा देता है। बात करें अगर तनु के फेवरेट कलर की तो उनका फेवरेट कलर ब्लैक है। तनु को डांस करना, योगा करना और हॉर्स राइडिंग करना भी काफी पसंद है। दोस्तों, बात की जाए तनु के रिलेशनशिप स्टेटस की तो फिलहाल वो सिंगल है और पूरा फोकस वो अपने करियर पर कर रही है। तनु की हाइट 5'3" है और उनका बॉडी वेट फिलहाल 50 kg है। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी और बायोग्राफी तनु रावत की। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तनु को आप सबसे ज्यादा क्यों पसंद करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे हमारे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। नमस्कार।